नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 30 तारीख सितंबर महीने का अंतिम दिन। सितंबर महीना बीत चुका है, अक्टूबर में हम प्रवेश किए हैं। अक्टूबर का राशिफल आप लोग तक पहुंचने वाला है। मुझे मालूम है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। अब यात्राओं में इतनी व्यस्तता रहती है कि थोड़ा विलंब से पहुंचा पाते हैं, लेकिन फिर भी पहुंच तो जाता ही है। इसके अनुसार आप लोगों को आज का दिन किस प्रकार से बिताना है, क्या करना है, मेष से लेकर मीन तक का पूरे दिन का हाल बताएंगे। बताएंगे कि आप अपने राशि के अनुसार उपाय क्या करें, और आज के दिन को बेहतर अगर करना है तो उपायों के साथ साथ ग्रहों की भाषा भी समझने की आवश्यकता होती है। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर आप हमसे गया जी में मुलाकात कर सकते हैं। गया जी में आप अपने पितरों की निमित्त शांति की प्रक्रिया में भी भाग ले सकते हैं। आप सबके लिए पितरों का एक विशेष पितृ शांति यज्ञ, जो सिर्फ पितरों के लिए है, इसका आयोजन हम कर रहे हैं। 5वां सत्र है, मतलब पिछले ये 5वां है, 4 वर्ष बीत चुका है, ये 5वां सत्र है। ये उन्हीं के आशीर्वाद से संभव होता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बड़ा मौका है। हमने बहुत नजदीक से इसे महसूस किया है कि आप सब अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं वो पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त करते हैं। तो आज शनिवार का दिन, पितरों को प्रणाम करते हुए आप लोग संकल्प लीजिए। 1 हफ्ते का समय है, रिजर्वेशन अभी मिल जाएगा। अगर आप पितृ शांति यज्ञ अथवा किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, जैसे मंगल शांति है, राहु शांति है, नवग्रह शांति है, महामृत्युंजय है, संतान गोपाल है, बगलामुखी है, आप इलेक्शन वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बगलामुखी होता है, क्योंकि अब जो अगला पितृ शांति यज्ञ रहेगा वह आम चुनाव के बाद रहेगा, लोकसभा चुनाव के बाद रहेगा 2024 में। तो अगर आप इलेक्शन में हैं, आपको टिकट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको खड़ा होना है, तो बहुत सारे गुप्त शत्रु ऐसे में पनप जाते हैं, तो उनकी शांति के लिए भी व्यवस्था और प्रावधान रहेगा। 21 कर्मकांडी बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण गया जी में विद्यमान रहेंगे आप लोग के ग्रह शांति के लिए, तो उसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आश्विन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है, दोपहर 12:21 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि, आज द्वितीया का श्राद्ध रहेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में और नक्षत्र है आज का रेवती, योग रहेगा ध्रुव। तदनुसार दिनांक 30 सितंबर दिन शनिवार। शनिवार को राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक, और गुणिक काल सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कार्यों के लिए त्याज्य है, और गुणिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक का पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा के 12वें संचरण का प्रभाव आज शिक्षा के क्षेत्र में हर कदम पर है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव आज बढ़ सकता है। आज का दिन शिक्षा की स्थिति को लेकर के आज आपको परेशान करेगा। रेवती नक्षत्र का चंद्रमा आज आपको कई तरह से उचाट महसूस करवाएगा। तृतीय और छठे का स्वामी होता है बुध, जो आज के नक्षत्रेश हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापार की बात अवश्य करेंगे, बिजनेस को लेकर के आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
बिजनेस में भी आज उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेन देन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आज मानसिक परेशानी आपको परेशान करेगी। शनिवार का दिन है, शेयर बाजार आदि में आज बंदी रहेगी, तो आज उस विषय पर चर्चा करना बेमानी है। तैयारी कर सकते हैं, फिलहाल आज का दिन आपके बिजनेस के लिए संघर्षपूर्ण है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो मेहनत करना प्रभावी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज बहुत मेहनती आपको बनाएगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आज करना होगा। उतार चढ़ाव बढ़ेगा, षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, लेन देन ध्यान से करिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है, बहुत प्रभावी सरकारी क्षेत्र आपके लिए प्रभावी रहेगा, जिसका आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच का तालमेल बहुत अनुकूल रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है, एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है। आप पर आज ईश्वरीय अनुकंपा रहेगी। सरकारी क्षेत्र को लेकर के हम आपको सजग करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को आज समय दें। गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ रहा था, बचपना मत करिएगा। आज बुध का नक्षत्र है ना, तो बचपना हो सकता है आपसे, बस हम आगाह कर दिए तो मत करिएगा, सिंपल बचाव हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन, सप्तमेश शुक्र अच्छी पोजीशन पर है, रिश्ता आज मधुरता की तरफ इशारा करता है, कोई मुश्किल नहीं आएगी आज, हर तरह से रिश्ते में शुभता बनी रहेगी। लव लाइफ आप पर आज नुकसान दे रहा है, लव लाइफ को जितना आप सतर्कता के साथ कदम बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन स्किन प्रॉब्लम, बुखार, खांसी की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ करने के लिए अपने हाथों से शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 61। वृषभ राशि, आपके लिए चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान हो चुके हैं आज, और नक्षत्र स्वामी बुध द्वितीयेश और पंचमेश होते हैं, तो द्वितीय, पंचम और एकादश ये तीन घर आपके एक्टिवेट हैं। ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा चूंकि मीन राशि में है, तो आज बृहस्पति एक्टिवेट रहेंगे, रेवती नक्षत्र में है तो बुध एक्टिवेट रहेंगे, तो तीन भाव और दो ग्रह एक्टिवेटेड हैं। पढ़ाई अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। पंचम पर चूंकि पूर्ण दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की, तो शिक्षा का क्षेत्र आपको आज अवसर दे रहा है, लाभ दे रहा है। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बिजनेस को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। व्यापारिक रूप से आज परेशान महसूस करेंगे थोड़ा सा, रिस्क मत लीजिएगा, जैसे चल रहा है चलाने का प्रयास करिएगा। आज वृषभ राशि वालों को मित्रों का साथ लेने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बात करें तो नौकरी में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आज, इधर उधर की बातों से अपने मन को हटाइए और आज जितना हो सके अपने आप पर भरोसा करते हुए मेहनत करिए। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें, यहाँ पर समस्याएं कुछ आपको परेशान करेंगी, लेन देन ध्यान से करिएगा, कार्य क्षेत्र में दबदबा बनाने का प्रयास न करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल बैठा लेंगे आज, किसी तरह की समस्या नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आज किसी बाहरी व्यक्ति के बातचीत को कंसीडर नहीं करना है। लव लाइफ बहुत अनुकूल है, विवाह की चर्चा आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य, डाइजेशन और आंखों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को? आज मस्तक पर तिलक लगा दीजिएगा,
शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। चंद्रमा आपके तृतीय दशम भाव में है, तीसरी राशि मिथुन राशि, दशमस्थ चंद्रमा का प्रभाव है मीन राशि में, और नक्षत्र स्वामी आपका ही है बुध। यह आपके लिए एक आइडियल स्थिति है। बुध की स्थिति, आपकी राशि स्वामी बुध, रेवती के स्वामी बुध, पढ़ाई में मजबूती लाते हैं, शिक्षा बहुत अनुकूल है, मन लगेगा, हायर एजुकेशन के लिए विचार कर सकते हैं। व्यापार कुछ मुश्किल पैदा कर रहा है, बिजनेस को लेकर के सजग रहिए, आज रिस्क मत लीजिएगा, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, कुछ परेशानियां कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा पैदा की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के जॉब में आज किसी महिला के कारण समस्या आ सकती है, ओवर थिंकिंग के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं, विस्तार देने के चक्कर में नुकसान उठाएंगे। सरकारी क्षेत्र में स्थितियां आपके अनुसार हैं, शुभता बनी हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए फायदे का कारण बनेगा, आपको लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी दर्शाता है, लव लाइफ को सजग रहते हुए कदम बढ़ाना होगा, लव लाइफ में उतार चढ़ाव था, दोपहर के बाद की स्थिति को सुधारने में आप कामयाब होंगे। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों को आज जुखाम खांसी के साथ साथ डाइजेशन की दिक्कत रहेगी, प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा की तरफ आपको लेके चलते हैं, शक्ति उपासना, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, आपके लिए चंद्रमा नवमस्थ है, नवम भाव में चंद्रमा का संचरण है, शिक्षा की स्थिति को आज यहां से ये बेहतर प्रकाश दे रहे हैं, पढ़ाई बहुत संतुलन में है, शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा, पढ़ाई अच्छे से बेहतर ढंग से आज कर रहे हैं। व्यापार में आज यात्रा का विशेष लाभ हो रहा है, यात्रा के द्वारा बिजनेस में आज आप आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के लिए रुके धन की प्राप्ति होगी, कहीं जमीन जायदाद आदि में निवेश करने के लिए अनुकूलता है, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ बेहतर परिणाम दिखाएगा, आज लेन देन बहुत सावधानी से करिएगा, किसी को उधार देने से पहले 100 बार विचार करिएगा कि वो वापस कहां से करेगा। रेवती नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए अनुकूल परिणाम दिखा रहा है, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज कुछ और बेहतर समय आ रहा है, सरकारी क्षेत्र को लेकर के आज सजग रहने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सेक्टर को जितनी सजगता देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। आज बॉस की किसी बात पर अपने आप को संयमित रखना आपके लिए किसी तपस्या से कम नहीं होगा। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन संतुलन में है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, कोई कमी आज नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लव लाइफ में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, आज हो सकता है कि आज विवाह की चर्चा कैंसिल हो जाए। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और जुखाम खांसी की शिकायत हो सकती है,
क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि कर्क है। आज प्रयोग के तौर पर आटा और चीनी अलग अलग पात्र में लेकर के किसी को दान कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि, आपके लिए चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए। अनइजी फील करेंगे, पढ़ाई आज बिल्कुल भी नहीं होगी, शिक्षा प्रभावित हो रही है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आज तनाव रहेगा, पढ़ाई में मुश्किलें आएंगी, व्यापार अनुकूल रहेगा, बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है, बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, आज रिस्क लेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए यात्रा से विशेष लाभ मिल रहा है, आज हर हाल में आपको शुभता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ शुभता है, आज गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अवसर दे रहा है, हो सकता है कि किसी विशेष लाभ के लिए आज आप चयनित हो जाएं। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास सफल होगा, रिश्ते में मधुरता रहेगी, कटुता दूर होगी, आज स्थिति और अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ में उतार चढ़ाव के साथ आज किसी मानसिक चिंता में आप पड़े रहेंगे, आज समय कम दे पाएंगे एक दूसरे को, बहुत खिंचाव महसूस होगा, मतलब दूरी वाला, खींचे से दूर दूर से रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज किडनी की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि सिंह है। आज सिंह राशि वालों को अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। कन्या राशि, सोचते विचारते चंद्रमा आपके सातवें में विराजमान हो गए हैं। पढ़ाई के लिए आइडियल स्थिति होती है, शिक्षा में आज खूब मन लगेगा, शिक्षा की स्थिति आप बहुत अच्छे से संवार रहे हैं, शिक्षा को लेकर के आज आप अच्छे फैसले ले लेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है, किसी बात पर आज व्यापार में तनाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा फल देगा, प्राइवेट सेक्टर में शुभता है, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे, चिंताओं से बाहर निकलेंगे, अवसर अच्छा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र को लेकर के अगर देखा जाए तो आज आपको किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर आप कुछ अनुकूल परिणाम प्राप्त करेगा। दाम्पत्य जीवन, उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं, आज रिश्ते में कटुता रहेगी, आज इधर उधर की बातें परेशान करेंगी, विवाह की चर्चा टाल दें, आज का दिन 30 सितंबर। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन और सर में दर्द, भारीपन बना रहेगा, क्या उपाय करना चाहिए, माँ दुर्गा को प्रणाम करके आज मस्तक पर अपने एक तिलक लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपको आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, चंद्रमा का संचरण छठे भाव में है, लिहाजा पढ़ाई के लिए आज का दिन चयनित किया जा सकता है, शिक्षा अच्छी चलेगी, कोई रुकावट नहीं है, पढ़ाई में आज मजबूती आ रही है, शिक्षा को लेकर के आज आपको लाभ मिल रहा है। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बिजनेस को बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा, मित्र धोखा दे रहे हैं, लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा, आज धोखा मिलने की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख रहेगा, नई नौकरी के लिए प्रयास, दक्षिण दिशा में सफलता। सरकारी क्षेत्र में आज शुभता मिलेगी, पति पत्नी के बीच देखा जाए तो तालमेल अच्छा है, लव लाइफ को लेकर के संतुलित रहिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज कमर दर्द की शिकायत रहेगी, क्या उपाय करना चाहिए तुला राशि वालों को, अपने कंठ पे शहद का तिलक लगाइए। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52।
वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण हुआ है, पढ़ाई आज अच्छी चल रही है, मन लगेगा, कोई नई जगह एडमिशन हो या नया कोर्स का चयन हो, दिन उत्तम है, चुनाव कर सकते हैं। व्यापार में धन का लाभ आज बढ़ेगा, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आज कमाई के साधन जुड़ेंगे, आपके लिए अवसर भी मिल रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज नई नौकरी की संभावनाओं को तलाशना होगा, नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं, स्थितियां आपके अनुसार हैं। सरकारी क्षेत्र में स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दांपत्य जीवन उतार चढ़ाव से युक्त रहेगा, बच्चों को लेकर के किसी बात पर पति पत्नी के बीच में आज तीखी नोक झोंक या बहस की संभावना है। लव लाइफ, नए प्रपोजल की तरफ इशारे मिलते हैं, आज एक दूसरे से उबन होगा, अगर पुराना अफेयर है तो आज वृश्चिक राशि वालों को मन नहीं लगेगा एक दूसरे के प्रति। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और माइग्रेन की समस्या है, उपाय क्या करना चाहिए आज? आज कंठ पर अपने हल्दी का तिलक लगाइए, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 57। विचारों के बीच उतार चढ़ाव के साथ चौथे में चंद्रमा आ चुके हैं, पढ़ाई के लिए ये स्थिति एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है। आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए यह बहुत सकारात्मक प्रभाव रहेगा। चौथे में चंद्रमा का संचरण शिक्षा के क्षेत्र में शुभ स्थिति देता है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम संकेत। कहीं पीजी आदि चेंज करने के लिए भी विचार किया जा सकता है, नए कोर्स में एडमिशन के निमित्त भी विचार किया जा सकता है। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आज धन लाभ हर कदम पर होगा, पैसे की कमी दूर होगी। व्यापार के लिए आज एक और विशेष बात करना है कि अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे थे तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की संभावनाएं मिलती हैं, बॉस प्रसन्न रहेंगे, आज महिला बॉस का विशेष लाभ मिलेगा, नई नौकरी के लिए भी आज प्रयास सफल होगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रयास तेज करना पड़ेगा, परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। दांपत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी थोड़ी सी रहेगी, आज कुछ छोटी छोटी चीजों पर बहस और नोक झोंक बढ़ रहा है। दांपत्य जीवन, ससुराल से रिश्ते में आज कटुता आ सकती है। लव लाइफ संतुलन में है आज, कहीं किसी तरह की रुकावट नहीं, विवाह के लिए विचार किया जा सकता है। लव लाइफ में आज किसी अन्य का भी प्रवेश दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन माइग्रेन और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि धनु है? ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, चंद्रमा थर्ड हाउस में है, तृतीय भाव त्रिक भाव है, लिहाजा आज लेकिन आपके भाग्य से संबंध रखने वाले नक्षत्र में है, ये एक अच्छी बात है। तो त्रिक भाव का दोष लग करके भी भाग्येश के नक्षत्र में होने से चंद्रमा का प्रभाव आज आपके लिए पॉजिटिव होने जा रहा है। पढ़ाई अच्छी है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है, शिक्षा को आज आप सम्मान दें, पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार उतार चढ़ाव के साथ है, बिजनेस में अवसर और स्थिति दोनों आपके लिए शुभ रहेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आज आप संवारिए थोड़ा सा, अपनी तरफ से आज थोड़ा सा समय दीजिए।
आप नौकरी का वेट करते हैं कि वहां से कुछ रिस्पॉन्स आए, लेकिन अपनी तरफ से भी आपको कदम बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र में आज कुछ समझदारी से काम करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर मकर राशि बहस हो सकता है, बॉस के साथ तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आज पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल रहेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। लव लाइफ में मामला थोड़ा बहुत हाथ से बाहर जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज मकर राशि वालों को कमर दर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि मकर है? प्रयोग के तौर पर हरी सब्जी का दान किसी जरूरतमंद को कर दें। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, बहुत संतुलित समय है आज। पढ़ाई में सुधार हो रहा है, शिक्षा बहुत अच्छी आप कर रहे हैं, अवसर भी मिलेगा आज, पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। व्यापार उतार चढ़ाव से भरा हुआ है आज, बिजनेस में खर्च बढ़ेगा, धन आने की संभावनाएं बहुत कम है, जाने के योग बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अवसर दे रहा है, चिंताओं से बाहर निकलेंगे, मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल स्थिति देता है। पति पत्नी के बीच रिश्ते में मधुरता है। लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज कमर दर्द और पेट की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कुछ अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 53। मीन राशि, दिनांक 30 सितंबर, दिन शनिवार, चंद्रमा आपकी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, लिहाजा आज शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए नए नियम लागू करेंगे। अब आपके लिए नया नियम कैसे रहेगा, आप स्वतः कुछ सकारात्मक होते हुए अपने लिए नियम बनाएंगे, सोना, उठना, पढ़ना, खेलना, कूदना, टीवी देखना आदि सेट करेंगे कुछ अपने लिए। तो शिक्षा को लेकर के आज एक तरह से चंद्रमा मतलब आपकी राशि में है, तो आज आपके लिए शिक्षा को लेकर के गंभीर करेंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी है, शिक्षा में कोई दोष नहीं दिखता, बल्कि बहुत संतुलन दिखता है। व्यापार बड़ा अप डाउन रहेगा आज, बिजनेस कहीं से भी आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, तमाम प्रकार के तामझाम महसूस होंगे, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है, प्राइवेट सेक्टर बेहतर है, परिणाम आपके अनुसार दिखेगा, शुभता रहेगी, अवसर अच्छे मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को सजगता के साथ कदम बढ़ाइएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ को लेकर के सजग रहिए, आज कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज लीवर की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पर मीन राशि वालों को आज हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 57। राशियों की स्थिति हमने बता दिया है, अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की, दिनांक 30 सितंबर का सक्सेस की। उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिएगा
और कहीं भी निकलने से पहले 3 कदम पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलकर फिर उस दिशा में जाइएगा। आगे बढ़ते हैं आज का भाग्य अक्षर। मेष, जा अक्षर वृषभ, ब मिथुन, क अक्षर कर्क, ह सिंह, म अक्षर कन्या, झ तुला, थ अक्षर वृश्चिक, व धनु, ल अक्षर मकर, य कुंभ, ध अक्षर मीन, स। नोट कर लें आप सादे चौकोर कागज पर और इसे अपने पास रख लें। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और चलते चलते आज का 30 सितंबर का आयुष्मान भव। तो 30 सितंबर को पैदा हुए लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2 बच्चों को भोजन करा के 3 लोगों को आज वस्त्र आदि दे दें। जूते चप्पल का दान आज शुभ रहेगा, शनिवार का दिन है। 30 सितंबर को जन्म पाए लोगों के लिए शिवालय में जाकर अभिषेक करवाना भी शुभ होगा। 30 सितंबर को अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो कन्याओं के विवाह में मदद करें, 2 लोगों को भोजन कराएं और दक्षिण दिशा में 1 पीपल का पौधा पति पत्नी मिलकर लगा दें। तो आज के अंक में इतना ही, अनुमति चाहेंगे अब आपसे विदा लेते हैं। सतना मिल सकते, आज और अभी रांची में है, इसके बाद कल परसों सतना रहेंगे। सतना में मिलने के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और फिर गाजियाबाद 7 से 14 अक्टूबर आप गया जी में हमसे मुलाकात कर सकते हैं, कुंडली दिखाने के लिए भी और पितरों की शांति के लिए भी। विस्तृत जानकारी 9354619250 पर व्हाट्सएप से ले लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक। We'll be right back.